रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू कीमा। आधा किलो कीमा, एक किलो लहसुन की जाल कर इसको कवर कर लें और लो आंच पर इसको स्टीम दें। 5 मिनट्स स्टीम देने के बाद आप कीमा दूसरे बर्तन में डाल दें। तीन सर्विंग स्पून ऑयल का डालें, 4 टीस्पून अदरक और लहसुन के डाल दें। जब लहसुन और अदरक ब्राउन हो जाए तो इसमें 2 मीडियम प्याज डाल दें। इसको 3 मिनट के लिए तकरीबन कवर कर दें। अब आप इसमें 1/2 चाय की चम्मच नमक, 1/2 चाय की चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच साबुत जीरा, 1/2 चम्मच ड्राई मिंट और 1/2 चम्मच ओरिगैनो। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तकरीबन 50 से 60 मिनट इसको पका लें ताकि मसाला अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स हो जाए। अब इसमें आप स्टीम के बाद कीमा डाल दें और कीमा को अब आप प्याज के साथ फ्राई कर लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आप इसमें 2 मीडियम आलू इतना छोटा छोटा काट कर डाल लें, क्योंकि छोटा काटने से पकने में आसानी होती है। मिक्स कर दें, आलू और कीमा दोनों को इकट्ठा फ्राई करें। तो अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसको लिड से कवर कर दें तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप इसको थोड़ा मिक्स कर लें। अब इसमें आप 2 मीडियम टमाटर और 5 से 6 सब्ज़ मिर्च काट के डाल लें। अब
इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा फ्राई कर लें। इसको टमाटर के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लें। उसके बाद आप कीमे से निकाला हुआ पानी इसमें डाल दें। अभी हमने वो सूप के निकाला था कीमे में से, स्टीम करने के बाद उसको दोबारा से इसमें डाल के इसको हल्की आंच पर तकरीबन 15 मिनट तक पकने दें। 15 मिनट के बाद आपका खाना तैयार होगा। एक 7 स्पून ऑयल का डाल के इसको फ्राई कर लें और इसके ऊपर एक टेबल स्पून लेमन जूस का डाल दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आइंदा भी पोस्ट देखने में मिलती रहे।